अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं फॉर्म ऑफ लीफ बेसिज्म। तो लीफ जो है उसको हम थ्री मेन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है लीफ लेमिना और लीफ ब्लेडम, दूसरा होता है पेट्यूलम और तीसरा होता है लीफ बेसम। तो लीफ बेस लीफ का वो पार्ट होता है जिसके थ्रू वो स्टेम और ब्रांच के साथ अटैच होती हैं। लीफ बेस जो है इसके फाइव डिफरेंट टाइप हैं। फर्स्ट वन है एम्प्लेक्सिकल लीफ बेसम, सेकंड है शीथिंग लीफ बेसम, थर्ड वन है अरिकुलेट, फोर्थ वन है कोनेट और फिफ्थ वन है लेग्युलेटम। तो पहले हम एम्प्लेक्सिकल लीफ बेस जो इसको लेते हैं। याद रखे इस केस में जो लीफ बेस होते हैं वो फ्लैटन होते हैं, फ्लैटन, और वो क्या कर लेते हैं, वो नोट को कंप्लीटली सराउंड कर लेती हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, ये एक स्टेम है। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये एक लीफ है। अब ये जो है ये क्या है, ये लीफ बेस है जो फ्लैटन है और इसने इस नोट को कंप्लीटली सराउंड किया है। तो इस तरह लीफ बेस को फिर हम कहते हैं एम्प्लेक्सिकल लीफ बेस। सेकेंड जो टाइप है वो है शीथिंग लीफ बेसम। तो इस केस में जो लीफ बेस होते हैं वो क्या कर लेते हैं, वो ट्यूबुलर शीथ लाइक स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस कर लेते हैं और वो ट्यूबुलर शीथ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या कर लेती है, वो इंटरनोड को कुछ डिस्टेंस तक कवर कर लेती है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये एक लीफ है। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, ये लीफ बेस है जिसने इस शीतला ट्यूबुलर शीतला स्ट्रक्चर जो इसको प्रोड्यूस किया है और इसने इस इंटरनोड को कुछ डिस्टेंस तक क्या क्या है कवर किया है। तो इस तरह लीफ बेस को फिर हम कहते हैं शीथिंग लीफ बेसम। थर्ड जो टाइप है वो है अरिकुलेट लीफ बेसम। तो मैं आप लोगों को ये सिंपल तरीके से बताता हूं। इस केस में जो लीफ बेस होते हैं वो नोट को कंप्लीटली सराउंड कर लेती हैं और इस केस में जो लीफ बेस होते हैं वो नोट को पार्शली सराउंड कर लेती हैं, यानी कि 30% और 40% जो नोट को सराउंड कर लेती है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, ये स्टेम है। अब यहां पर ये जो लीफ है ये इसके क्या है, लीफ बेस है। अब इस लीफ बेस ने इस नोट को तकरीबन 30% और 40% सराउंड किया है। तो इस तरह लीफ बेस को फिर हम कहते हैं अरिकुलेट लीफ बेसम। फोर्थ वन जो टाइप है वो है कोनेट लीफ बेसम। तो इस केस में जो लीफ बेस होते हैं वो किस तरह होते हैं, इस केस में टू अपोजिट लीफ के जो लीफ बेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और फ्यूज हो जाते हैं और फिर नोट को कवर कर लेती हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये एक लीफ है, ये दूसरी है। अब इसके जो लीफ बेस है ये एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, फ्यूज हुए हैं और इसने नोट को क्या किया है, कवर किया है, सराउंड किया है। तो इस तरह लीफ बेस को फिर हम कहते हैं कोनेट लीफ बेसम। इसकी जो एग्जाम्पल है वो है ज़ेनिया। फ्यूज जो है वो है लेग्युलेट लीफ बेसम। तो लेग्युलेट लीफ बेस किस तरह होते हैं, ये स्पेशली आप लोगों को मिलेंगे सम ग्रासेस में, जैसे कि वीट है, राइस है, शुगर केन है, इसमें आप लोगों को मिलेंगे। तो एक्चुअली इस केस में जैसे कि यहां पर मैंने बताया, इस केस में ये जो ट्यूबुलर शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है इसके दरमियान और स्टेम के दरमियान एक तीन आउट ग्रोथ जो है वो डिवेलप हो जाती है और उस तीन आउट ग्रोथ को हम कहते हैं लेग्यूल, इसलिए इसको लेग्युलेट लीफ बेस कहते हैं। तो ये थी फॉर्म ऑफ लीफ बेसिस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।